हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक का रुख करते हैं। विवेक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अतुल भाई कर रहे हैं कि साहब देखिए बेहद इराटिक सा ये बिहेवियर, बचकाना इसको हरकत कहा जा सकता है कि आप कल ही इतना ट्रैवल करके दुबई से आ रहे हैं, फिर आप परिवार को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से खुद ड्राइव करके अकेले जा रहे हैं, आप नींद का झोंका आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। परिवार कहाँ रहता है? देहरादून में ही रहता है। परिवार में और कौन कौन है, क्या अपडेट है? जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है पहले मैं वो दे देता हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उन्होंने मैक्स देहरादून के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वो चार्ज अपना टेक ओवर कर लिया है। पूरा जो अभी तक जो बीसीसीआई मेडिकल टीम की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से जो जानकारी है वो ये है कि स्कैन्स पूरा हो चुका है, स्कैन्स नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है बॉडी में, कोई मेजर बर्न्स नहीं है, माइनर बर्न्स हैं वो भी बैक में है जिसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ेगी। बीसीसीआई के मेडिकल टीम ने जो कंकशन टेस्ट होता है उस पर भी किया है क्योंकि हैवी इम्पैक्ट था, उसका भी टेस्ट किया है और उससे भी वो काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। अब बस ये है कि कितना फिजिकल स्ट्रेंथ और कितने ज़्यादा वो रिकवर करेंगे, उस रिकवरी पे बात हो रही है। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है, जो आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उन सब पे बीसीसीआई के मेडिकल टीम ने टेक ओवर कर लिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने भी बात करी है, कप्तान रोहित शर्मा ने आके इमीडिएटली चेक किया है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सारी डिटेल्स उन्होंने लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कहना है वो ये है कि वो अभी फिलहाल इस सिचुएशन में है जहाँ पर वो फिलहाल ठीक ठाक हैं, सब कुछ जा रहा है उनके साथ, कोई प्रॉब्लम मेजर इश्यूज नहीं है, नो फ्रैक्चर्स, नथिंग। अब आपकी बात रही दूसरी बात कि ऐसा क्यों हुआ, ये था कि वो सुबह के 4 बजे अपने घर के लिए रवाना हुए और उनको लगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में, अपने मदर को सरप्राइज देना चाहते थे, वहाँ पर जाके न्यू ईयर स्पेंड करके वापस वो 1 तारीख को दोपहर को दिल्ली आने वाले थे अपने रणजी ट्रॉफी के सभी दोस्तों से मिलने के लिए और उसके बाद 3 तारीख को जाने वाले थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे एक्सीडेंट के दौरान ऋषभ पंत का जो एक रिएक्शन था, क्विक रिफ्लेक्स रिएक्शन था, जब उनके कार को एक्सीडेंट हुआ उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, अपने चोटिल घुटना, उनका घुटने में ऑलरेडी निगल था, उस चोटिल घुटने से उन्होंने कार की जो विंडशील्ड है उसको तोड़ने की कोशिश करी। तोड़ने के बाद वो वहाँ से बाहर कूदे। जो वहाँ के आई विटनेस हैं, जो वहाँ के लोग हैं और जो खबरें हमें आ रही हैं बीसीसीआई से, वो ये आ रही हैं कि अगर ऋषभ पंत उस गाड़ी में अगर 2 मिनट भी और रहते तो गाड़ी पूरी लपालप जो है फ्लेम के साथ हो जाता, वो और खतरनाक होता। लेकिन ऋषभ पंत के शरीर में फिलहाल मेजर बर्न्स नहीं हैं, माइनर बर्न्स हैं, नो फ्रैक्चर्स, स्कैन्स आर नॉर्मल, कंकशन का टेस्ट हुआ है, उसकी बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल अभी से ये बातचीत हो रही है कि बोर्ड ऋषभ पंत को किस हॉस्पिटल में कहां पर किस तरीके का रिकवरी पास वो देना चाहता है, ये सब बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर दो सवाल हैं आपसे, ही दो सवाल हैं। पहला सवाल वो जो मैंने पूछा था आपसे पहले कि परिवार कहाँ रहता है, रुड़की में एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली से निकले थे, देहरादून में ही रहता है क्या परिवार, देहरादून ही जा रहे थे? और दूसरा ये, जी जी बताइए, जहाँ पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वो अपने घर से महज 10 मिनट की दूरी पे थे, 4 बजे सुबह निकले थे। कोशिश यही, उनकी परिवार में लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो कोशिश यही थी कि जब वो उठें तो वो ऋषभ पंत को वहाँ देखें, तो इस कोशिश से सरप्राइज करने के लिए वो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माँ और उनकी बहन जो है वो वहाँ पर हैं, उनके परिवार वाले फिलहाल वहाँ पर हैं, उनको सरप्राइज देने के लिए ऋषभ पंत गए थे और महज 10 मिनट की दूरी पर थे वो अपने घर से जहाँ पर वो डिवाइडर उनको लगा। हाँ बिल्कुल, झपकी लगी है, ऐसा ही सभी का इनिशियल फाइंडिंग जो है वो ये था कि झपकी जरूर लगी है जिसकी वजह से वो कंट्रोल खो गए हैं और जिसकी वजह से ही हुआ, एयरबैग्स सीट बेल्ट की वजह से वो बचे। लेकिन रिएक्शन उन्होंने बहुत अच्छा दिया, इमीडिएटली जब उनको लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है वो पूरी तरह से एकदम से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, उस सब के बावजूद प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने यूज किया, शीशा तोड़ा और अपने आप को गाड़ी के बाहर ले गए, वरना मेजर बर्न्स का सिचुएशन हो जाता था। पासर बाय आए, लोग भी आए, गाड़ी में काफ़ी कैश था, 3 से 4 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इतना हैवी कैश भी था उनकी गाड़ी में, वो भी पूरी तरह बिखरे गए हैं, उसका क्या हुआ वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ऋषभ पंत आज फिलहाल अभी वो स्टेबल हैं, ठीक है। 3 महीने का सफर लग रहा है रिकवरी का होगा ऋषभ पंत का, IPL के लिए हो सकता है कि वो ठीक ठाक हो, और लेकिन एक एक स्टेप पे अभी BCCI की मेडिकल टीम ने टेक ओवर करने के बाद मुझे अब वो लगता है कि रिकवरी मैदान पर कब वापसी करेंगे, ये तो बात के सवाल है। लेकिन पहले ये बात जो आप अभी कह रहे थे कि साहब BCCI की मेडिकल टीम ने एक तरीके से टेक ओवर कर रहा है, कर लिया, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।